नमस्कार, आप देख रहे हैं देहरादून लाइव और मैं हूं आपके साथ शफाली राणा। कंगना रनौत के रियलिटी शो लॉकअप में कंट्रोवर्शियल सेलिब्रिटीज के साथ आई वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल सेलिब्रिटी पूनम पांडे आज अपना 31वां जन्मदिन मना रही हैं। आपको बता दें कि पूनम पांडे अपने काम की वजह से तो कम और एडल्ट वीडियोस और आपत्तिजनक बयानों की वजह से ज्यादा चर्चा में रहती है। आपको बता दें कि पूनम इरोटिक या फिर कहे सेमी पॉर्न वीडियोस बनाती है और उसे सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करती है। इन दिनों पूनम जहां एक और कंगना रनौत के रियलिटी शो के चलते सुर्खियों में है, तो वहीं अब व्यूवर्स को भी पूनम के बारे में जानने में रुचि बढ़ गई है। तो आइए आज इनके जन्मदिन के मौके पर आपको बताते हैं पूनम पांडे की लाइफ स्टोरी और आखिर कैसे एक साधारण परिवार में जन्मी लड़की बनी इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल सेलिब्रिटी। पूनम पांडे का जन्म 11 मार्च 1991 में नई दिल्ली में हुआ था। वे बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखती हैं। पूनम पांडे के पिता का नाम शोभनाथ पांडे है और माँ का नाम विद्या पांडे। उनके परिवार में उनकी एक बहन और एक भाई है। पूनम के पिता का दिल्ली में बिजनेस है। सवाल ये उठता है कि साधारण परिवार में जन्मी पूनम आखिर एडल्ट फिल्में बनाने के लिए कैसे आगे बढ़ गई। तो चलिए आपको बताते हैं कि पूनम जब 18 साल की थी तब इंडस्ट्री में उन्होंने पहला कदम रखा। उनकी पढ़ाई लिखाई सब दिल्ली में ही हुई थी। पूनम को मॉडलिंग की दुनिया में पहचान साल 2011 में कैलेंडर गर्ल्स की मॉडलिंग के तौर पर मिली। इसके अलावा वह ग्लैडरस 2010 की टॉप आर्ट प्रतिभाओं में भी शामिल थी। मॉडलिंग के दिनों में पूनम ने कई फैशन मैगजीन के लिए शूट भी करवाया था। विवादों में तो पूनम पांडे तब से आई जब उन्होंने 2011 के वर्ल्ड कप के दौरान एक बयान दिया था कि अगर इंडिया जीतती है तो वो बिना कपड़ों के ही एक फोटो डालेंगी और बिना कपड़ों के ही बाहर निकल जाएंगी। इस बयान की खूब ज़्यादा आलोचना भी की गई थी। इसके बाद एक बार फिर पूनम विवादों में छाई थी। दरअसल उन्होंने 2016 में जब इंडिया क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ जीत दर्ज की थी, उस समय पूनम ने जीत की खुशी में अपनी सेमी न्यूड फोटो अपलोड कर दी और उस पर काफ़ी ज़्यादा विवाद उठा। बता दें कि पूनम पांडे ने पिछले साल अपने बॉयफ्रेंड सैम बॉम्बे से सितंबर में शादी की थी। शादी के करीब 10-12 दिन के बाद ही यह खबर सामने आई कि उनके पति ने उनके साथ जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, उन्होंने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज की थी। हालांकि बाद में मामला अपने आप ही सेटल हो गया। लेकिन सवाल दोबारा यही उठता है कि साधारण परिवार से जन्मी पूनम पांडे आखिरकार एडल्ट फिल्मों की तरफ कैसे बढ़ी। इसके पीछे की वजह खुद पूनम ने ही बताई है। आपको बता दें कि पूनम ने कहा था, जब मैं इंडस्ट्री में आई थी कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप कुछ ऐसा करो जिससे तुरंत हिट हो जाओ, आपको कंट्रोवर्सी भी करनी चाहिए। बस उन लोगों की बात मानकर मैंने ऐसा सुना और ऐसा करना शुरू कर दिया। हालांकि धीरे धीरे मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कंट्रोवर्सी का फेम मात्र 15 मिनट का ही होता है। जैसा आप सभी को पता होगा कि इरोटिक वीडियोस बनाकर पूनम पांडे पैसे कमाती हैं। पूनम इंडस्ट्री में आई तो एक्ट्रेस बनने के मकसद से थी, लेकिन उनका यह सपना कुछ खास पूरा नहीं हुआ, उन्हें खास ऑफर्स नहीं मिले। इसके बाद पूनम ने बॉलीवुड के जरिए ही पैसे कमाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी और अब वह इरोटिक वीडियो बनाकर पैसे कमाती हैं। पूनम ने लॉकअप शो के दौरान भी कहा कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, वे अपनी लाइफ अपनी शर्तों पर जीना ही पसंद करती हैं। तो जैसा आपने जाना पूनम पांडे की लाइफ स्टोरी के बारे में, किस तरह से एक साधारण परिवार से आने के बावजूद उन्होंने कंट्रोवर्सीज में हमेशा अपना नाम सबसे आगे रखा और इसी को देखते देखते बन गई वो इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल सेलिब्रिटी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए।